नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि सावन का पहला सोमवार आ रहा है और इस सोमवार के दिन माताओं बहनों को, भाइयों को क्या क्या तैयारी कर लेनी है, पूजन कैसे करना है, सारी बातें आप लोग जानेंगे। व्रत रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी आपको पूजन में क्या क्या चीज़ जरूरी है। दूसरी चीज, हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको 5 श्रृंगार जरूर कर लेना है सोमवार के दिन पूजा करते समय। चाहे व्रत नहीं रख रही हैं तब भी उन्हें यह श्रृंगार जरूर करना है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि मंदिर से वापस आते समय आपको एक गलती नहीं करनी है। कौन सी वो गलती है आप लोग वीडियो में जानेंगे, जरूर आपको ये कार्य कर लेना है। दूसरी चीज, पूजन करते समय आपको एक आवश्यक कार्य अवश्य करना है, जिससे कि आपको पूजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का पूरा आशीर्वाद आपको मिले। दूसरी चीज, पूरी सामग्री के विषय में आप लोग जानेंगे क्या क्या सामग्री आपको लेनी है। उनमें से कोई सामग्री नहीं भी उपलब्ध हो पाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन पूरी सामग्री मैं बता दूंगी। आप लोग जितना भी उपलब्ध हो पाए उसी तरह से पूजन कीजिएगा, श्रद्धा और भक्ति भाव से। तो सोमवार को इन सब बातों का आपको ध्यान जरूर देना है। आइए जानते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। सभी लोग, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरी बातों को समझ लीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाइएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो सोमवार जो दिन पड़ रहा है 10 जुलाई को पहला सोमवार है सावन का। बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग व्रत नहीं रखते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चन केवल करते हैं, कोई बात नहीं है। आप लोग लहसुन प्याज का सेवन ना करें, सात्विक रहें, व्रत ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सबसे पहले बताती हूँ श्रृंगार की बात, कि हमारी बहनें जो हैं, माताएं, कौन कौन सा श्रृंगार अवश्य कर लेंगी, क्योंकि इस दिन माँ गौरी जी की भी पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ जी की, पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। तो 16 श्रृंगार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है और भी उत्तम है। भगवान आप सभी लोगों का अखंड सौभाग्य बनाए रखें। लेकिन यदि आप लोग 16 श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, सबसे जरूरी बात कि इस दिन आपको बाल नहीं धुलना है। सबसे पहली चीज मैं बता दूं, बाल आप लोग रविवार को धुल लीजिएगा। इस दिन आप लोग अच्छी तरह से सिंदूर लगा लीजिएगा, बिंदी लगा लीजिएगा, हरी चूड़ी जरूर पहन लीजिएगा। चाहे थोड़ी ही पहनी है लेकिन हरी चूड़ी जरूर पहन लीजिएगा। मान लीजिए आपने लाल रंग की चूड़ी पहनी है या किसी और रंग की चूड़ी पहनी है तो उसमें ही आप लोग थोड़ी थोड़ी हरी चूड़ियां मिला लीजिएगा, तब भी वो चल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हरी चूड़ी पहन लीजिएगा। इस दिन आलता पैरों में, जिसको कि कलर भी कहते हैं, रंग कहते हैं, आप लोग आलता लगा लीजिएगा और इत्र जरूर लगा लीजिएगा, जिसे कि परफ्यूम भी कहा जाता है। इतना श्रृंगार आप लोग कर लीजिएगा। इससे भी ज़्यादा आप लोग करना चाहती हैं तो बहुत उत्तम बात है, क्योंकि सुबह का समय है, यदि आप सुबह पूजन करने जा रही हैं तो समय की कमी हो जाती है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 5 श्रृंगार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग सामग्री क्या क्या लेनी है आप लोग पूरी सामग्री देख लीजिए। जो नहीं मिल पाता है तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग पूरे श्रद्धा भाव से, मानसिक रूप से उस सामग्री को अर्पित कर दीजिएगा। जल लेना है आपको, गंगा जल, पंचामृत मिल जाए। मैं सामग्री का नाम केवल बता रही हूँ, जो भी नहीं मिल पाता है तो उसमें आप लोग कोई चिंता मत कीजिएगा। चलिए फिर से शुरू करती हूँ। जल, गंगा जल, पंचामृत, गाय का दूध, चंदन, चंदन में आपको पीला चंदन, लाल चंदन, सफेद चंदन, भस्म, सिंदूर, बेलपत्र, शमी पत्र, मंदार का पुष्प या फिर कोई और सफेद पुष्प, माता जी के लिए लाल पुष्प, गुड़, शक्कर, मौसमी फल जो भी मिल जाए आप लोगों को, अबीर, गुलाल, कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा, धूप बत्ती, दीपक, इत्र, जनेऊ और कलावा माता जी को चढ़ाने के लिए और माता जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के लिए। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं तो आप केवल सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ही अर्पित कर दीजिएगा या फिर केवल सिंदूर, बिंदी ही अर्पित कर दीजिएगा। पहला सोमवार है, सोमवार की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है तो आप लोग माता जी को कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित कर दीजिएगा। यदि हो पाता है तो अधिक अर्पित कीजिए, वस्त्र भी अर्पित कर दीजिए, पूरी श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दीजिए। और भोलेनाथ जी को आप लोग चाहिए तो वस्त्र अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ तो मैंने बता ही दिया है, जनेऊ अर्पित कर देंगे तो वो भी वस्त्र का भाव उससे आ जाएगा पूरा। अब ये बात हो गई, अब आप लोगों ने श्रृंगार कर लिया,
मंदिर देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आप व्रत धारण करते हैं तो सुबह मंदिर जाएं, बहुत ही उत्तम है। पूजन करके आएं, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगी तो बहुत ही आसानी से सारे कार्य हो जाएंगे, क्योंकि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है, मैं समझ सकती हूँ कि ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, लेकिन यदि मंदिर नज़दीक है और थोड़ा जल्दी आप लोग उठ गई तो प्रयास करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो आप लोग संध्या पूजन कर लीजिएगा। अपने घर में पूजन अर्चन करके दिन भर व्रत धारण करें और संध्या के समय जाकर पूजन कर लीजिएगा। पूजन में आप लोग सबसे पहले जाएं मंदिर में, सबसे पहले घंटी बजाएं, वहां अपनी उपस्थिति दें, प्रणाम करें, शीश झुकाएं। यदि वहां पर सभी शिव परिवार हैं, किसी किसी मंदिर में पूरे शिव परिवार होते हैं, किसी मंदिर में केवल भोलेनाथ जी और नंदी बाबा होते हैं, तो वहां भी आप लोग, यदि ये आप लोगों के मन में ये बात आती है कि पूरे शिव परिवार नहीं है तो हम लोग पूजा कैसे करें, तो देखिए दोस्तों, काल्पनिक पूजा, मानसिक पूजा आप लोगों ने सुनी होगी। सबसे पहले आप लोग जाएं, अपनी कल्पना में मानसिक रूप से गणेश भगवान जी की पूजा कर लें, माँ गौरी जी की पूजा कर लें, उसके बाद शिव जी की पूजा करें, कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, नंदी जी की पूजा करें। तो काल्पनिक पूजा भी की जाती है, मानसिक रूप से आप भाव रखकर आप गणेश भगवान जी को दूर्वा अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, तो इस तरह से सब कुछ करके आपकी पूजा हो जाएगी। और यदि शिव परिवार है, पूरी सभी देवी देवताओं की प्रतिमा है, तब तो कोई बात नहीं है, आप लोग पूजन करें, जल से अभिषेक करें, पंचामृत है तो पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, उसके बाद आप लोग श्रृंगार करें। श्रृंगार में आप लोग चंदन, अबीर, गुलाल, चंदन से त्रिपुंड बनाने का बहुत ही विशेष विधान है और इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप लोग सफेद चंदन या पीले चंदन से त्रिपुंड जरूर बनाएं शिवलिंग पे। बेलपत्र चढ़ाते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि बेलपत्र खाली न चढ़ाएं, उस पे आप लोग चंदन से टीका लगा लें या फिर ओम नमः शिवाय लिख लें या फिर राम राम लिख लें, जो भी हो पाता है। मान लीजिए लिखने का समय नहीं है तो आप लोग चंदन से ओम नमः शिवाय का भाव रखकर उस पे तिलक कर सकते हैं, सफेद या पीले चंदन से। उसके बाद आप लोग बेलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र है तो चढ़ा दें। अब बेलपत्र मान लीजिए नहीं मिल पाता है तो शिवलिंग से ही उठाकर धुलकर आप लोग चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से उनका श्रृंगार करें, श्रृंगार करने के बाद अबीर गुलाल अर्पित करें, बेलपत्र शमी पत्र अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, माताजी को कलावा अर्पित करें। इस तरह से करने के बाद धूप दीप, यदि आप चाहें तो वहां पर आरती कर सकते हैं, ये बहुत ही पुण्य आपको मिलेगा। मंदिर में आरती करने का बहुत ही लाभ प्राप्त होता है, यदि समय है तो आप लोग आरती कर लें। और भी ज़्यादा समय है आपके पास, मान लीजिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है घर की, तो आप लोग वहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट बैठ कर शिव जी के मंत्रों का जप कर लें। आप लोग ओम नमः शिवाय, पुरुष भाई हैं तो और महिलाएं हैं तो नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी के 108 नामों का जप करते हुए जल चढ़ा सकते हैं आप लोग, और ओम उमा महेश्वराय नमः, या फिर आप लोग शिव रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए जल चढ़ा सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जल जाप करते हुए जल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग संपूर्ण पूजन अर्चन कर लीजिएगा। पूजन अर्चन करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे जरूरी चीज, जब आप लोग मंदिर से वापस आएं, सबसे पहले तो समय है तो जरूर 5 मिनट बैठें, मंत्रों का जप करें, ध्यान करें, उसके बाद वापस आते समय आप लोग जल जरूर वहां से लेके आएं। जो जलाधारी से जल गिरता है वहां से आप लोग खाली लोटा कभी लेकर मत आएं, चाहे वो सावन में प्रतिदिन आप जा रहे हैं तब भी, या फिर केवल सोमवार को मंदिर जा रहे हैं तब भी, आप लोग अपने उस लोटे में या किसी भी पात्र में आप जलाधारी से जो जल गिरता है उस जल को लेकर आए। वो जल समझ लीजिए दोस्तों, साधारण जल नहीं है, वो अमृत के समान है, भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा उसमें बनी हुई है। तो आप लोग उस जल को लाके क्या करेंगे, पहली बात तो अपने घर में उस जल को ले आए, कभी भी खाली हाथ खाली लोटा लेकर ना आए, एक बेलपत्र ही लेकर आए, पुष्प लेकर आए। और जल जो है, जो मैं बता रही हूँ, जल का बहुत ही ज्यादा महत्व है, जलाधारी से जो जल गिरता है चढ़ाने के बाद उस जल को आपको लेकर आना है। और आपके घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं, मान लीजिए सभी लोग तो मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते हैं, आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े भी हैं, आपके पति नहीं मान लीजिए जा सकते हैं, नहीं गए हैं, तो वो जल लाकर जब लोग सभी लोग स्नान कर लें, साफ सुथरे हो जाएं, तब उस जल से सभी लोग आचमन कर लें, थोड़ा थोड़ा आचमन मतलब थोड़ा थोड़ा जल लेकर उसे पी लें, ग्रहण कर लें। आप अपने बच्चों को उस जल को थोड़ा सा दीजिए और बच्चे आपके ग्रहण करें, उसके बाद मस्तक पर लगा दीजिए थोड़ा सा जल। दोस्तों वो जल आप लोग लेकर आते हैं तो समझिए कि भगवान भोलेनाथ जी की, माँ पार्वती जी की कृपा उनकी लेकर आप लोग घर आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर घर आ रहे हैं। तो इस तरह से खाली हाथ मत आइएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे सोमवार का दिन हो चाहे सावन का कोई भी दिन हो, क्योंकि सावन का प्रत्येक दिन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सोमवार। तो ये कार्य जरूर कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, उस जल से आचमन कीजिएगा, अपने ऊपर उस जल के छींटे
छिड़काव भी आप लोग कर सकते हैं, अपने बच्चे के मस्तक पर लगाइएगा, पति के मस्तक पर लगाइएगा, और परिवार में अन्य सदस्य हैं उन्हें भी आप लोग उस जल को ग्रहण करने के लिए दीजिएगा। ये कार्य हो गया। और माता जी को श्रृंगार की सामग्री आप लोगों को जरूर चढ़ानी है, चाहे थोड़ी ही चढ़ानी है, केवल सिंदूर बिंदी उपलब्ध हो जाता है जो कि मुख्य श्रृंगार है, तो इसे आप लोग जरूर चढ़ा दीजिएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात व्रत की मैं बात करूँ, मान लीजिए कि जो भी बहनें व्रत हैं, जो भी भाई लोग व्रत रख रहे हैं, उन्हें नमक का सेवन नहीं करना है। पूजन अर्चन करने के बाद मीठा फलाहार ही किया जाता है। शिव जी के किसी भी व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। एक बात अवश्य मैं बता देना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि बहुत अधिक शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो दिन भर व्रत रखकर संध्या पूजन करने के बाद आप लोग संध्या के समय मीठा भोजन कर सकते हैं, जिसमें कि दूध रोटी या गुड़ रोटी, आप लोग इस तरह से मीठा भोजन कर सकते हैं। साप्ताहिक व्रत में ऐसा किया जाता है। इसमें कोई भी दुविधा आप लोग मत रखिएगा, संशय मत रखिएगा। लेकिन आपकी यदि शक्ति सामर्थ्य है तो आप लोग केवल फलाहार करके व्रत रखें, नमक ना खाएं, तो इस तरह से भी व्रत रख सकते हैं। मान लीजिए जो भी बहनें या भाई व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, चाहे तो पूरे सावन माह में ना करें तो बहुत अच्छी बात है। पूरी तरह से सात्विक रहें, मांस मदिरा इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें, तब भी आपको व्रत का पुण्यफल मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, और जितना हो सके निरंतर इस दिन सोमवार के दिन या पूरे सावन माह में आप लोग निरंतर शिव जी के मंत्रों का जप मानसिक रूप से करते रहें, अपना कार्य करते रहें, और भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से मंत्रों का जप करते रहें। तो पूजन में दोस्तों कोई बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं है। सामग्री के लिए भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी सामग्री नहीं मिल पाती है आप लोग उसे मानसिक रूप से अर्पित कर दीजिएगा। पूजन का तो बहुत ही ज़्यादा विधि विधान है, लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम लोगों को साधारण पूजा ही करनी है, क्योंकि हम लोगों के पास समय की भी कमी होती है और फिर हम लोगों को और भी कार्य देखना होता है। तो भगवान जी तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। फिर आप लोग अपने घर के भी मंदिर में भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, आरती कीजिए। इस तरह से सुबह और संध्या दोनों समय पूजन सोमवार के दिन अवश्य कीजिए। तो ये सारी बातें थी। आप लोग व्रत धारण कीजिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कोई बात पूछना हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।